देश भर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। संसद के अलावा देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बाबा साहेब की पहचान एक संविधान निर्माता के तौर पर होती है। इसके अलावा वो भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, इतिहासकार और अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने समाज के निचले तबके के उत्थान के लिए ढेरों काम किए हैं। इसी श्रृंखला में शहर में भी संविधान चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कई नेतागण भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करने पहुंचे। वहीं भाजपा नेता और पूर्व पार्षद धर्मपाल मेश्राम ने भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के आगे अपना शीश झुकाया। इस अवसर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांत अति मूल्यवान है और इन्हीं सिद्धांतों पर चलने का काम बीते 7 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुत्व या चतुःसूत्रीवर आधारित संविधान ज्या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला दिलं आणि ज्या संविधानाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक लोकशाही रुजवली त्या परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांना भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं अभिवादन करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। भारतीय जनता पक्षाचं सरकार मागच्या 7 वर्षात केंद्रामध्ये आल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदींनी इंदू मिलची जागा या देशाला अर्पित केली। लंडनचा बंगला देवेंद्रजी फडणवीसांनी राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित केला। दिल्लीची महापरिनिर्वाण भूमी असेल अशा अनेकविध, किंवा मग नागपूरचं दीक्षाभूमीचं केंद्र असेल जे आदरणीय गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर नेलं गेलं, अशी अनेक कामं भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही केलेली आहेत। आज परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरजींच्या जन्मदिनी संपूर्ण भारतवासियांना आम्ही आपल्या वतीनं शुभकामना देतो आणि अशाच पद्धतीनं या देशातली लोकशाही सुदृढ होत राहील आणि या जगातल्या, देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला, दलित शोषित पीडितांना शेवटच्या माणसापर्यंत न्याय पोहोचवत राहील अशा शुभकामना देत आज सगळ्यांना शुभकामना, खूप धन्यवाद।